शिमोगा जिले के शिकारीपुर में जश्न उर्दू बड़े ही शानदार पैमाने पर मनाया गया। उर्दू एकेडमी के साबिक सदर, नेशनल अवार्डी बच्चों के शायर डॉक्टर हाफिज अमजद हुसैन कर्नाटकी की सरपरस्ती में शिकारीपुर का मारूफ तालीमी इदारा गुलशन ए जुबेदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की सिल्वर जुबली के मौके पर यह मुनक्किदा प्रोग्राम शानदार पैमाने पर मनाया गया। इस मौके पर गुलशन ए जुबेदा के असातिज़ा स्टाफ को तहनियत पेश की गई। साथ ही बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए इनामात भी तकसीम किए गए। बच्चों ने इस मौके पर सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए। देखिए खास रिपोर्ट।
आज ये प्रोग्राम सरपरस्तान वो तलबा और असातिज़ा, यानी मैं चाहता था, आपने देखा ना आंखों में मंजर, मेरे पास एक उस्ताद से लेकर खादिमा का मैं एजाज़ करूं। ये पहली मर्तबा ये खादिमा का एजाज़ कर रहे थे, आंखें उसकी अश्कबार हो गई, फूट गई। यानी मैं चाहता हूं कि एक आदमी एजाज़ का मोहताज नहीं होता, लेकिन हर इंसान अपनी खिदमत का कुछ सिला चाहता है। वो सिला हमें कौन देगा? जिस इदारे में काम करते हैं वो इदारा नहीं देगा तो कौन दे सकता है? आज सरपरस्तान और वालिदैन, सरपरस्तान वालिदैन तलबा असातिज़ा के दरमियान एक माबैन ये था, कुछ प्रोग्राम देखने के भी थे, कुछ वो खनक जोशी के साथ बच्चे सुन रहे थे, सुनना चाहते थे खनक जोशी को, इन उर्दू की मोहब्बत बस में जमा हो गए। बस में आपने जितना प्रोग्राम देखा, अब मैं उसके बारे में बोलूं तो प्रोग्राम खुद बता रहा है, अरे अरे प्रोग्राम खुद बता रहा है प्रोग्राम क्या है। अब डॉक्टर दाऊद मोहसिन पड़ोस में रहते हैं, आला ग्रेड का आदमी है, किताबें लिखने में ज़िंदगी गुजर गई, परेशानी में गुजर गई। एक एजाज़ भी करना चिल्ड्रंस अकेडमी का मकसद था। एक और था कि 25-26 जनवरी को, जो 26 जनवरी को मेरी 100वीं किताब की इजरा होने वाली है, जो हिंदुस्तान के अच्छे बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, मैं चाहता हूँ कि उसकी तशहीर भी थी, और साथ में वालिदैन के साथ पैगाम ये पहुँचाना है कि एक आदमी काम करना चाहे तो कर सकता है। मैंने शुरू मासूम तराने से शुरू किया था, बाग़ अतफाल को पहुँच गया। बाग़ अतफाल मेरी 100वीं किताब। तो एक और चीज़ के यहाँ बच्चों में उर्दू की बहुत मोहब्बत है, आप देख भी सकते हैं, देख भी लिया आपने, बच्चों में बहुत मोहब्बत है, कन्नड़ से भी है, अंग्रेज़ी से भी है। यानी अब ये आज का प्रोग्राम मेन आप कहेंगे क्या है सर, ये तालीमी बेदारी, तालीम से बेदार करना। कहे कि हम बच्चों को मखरूज होकर इसी बच्चों को पढ़ाएंगे, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो पढ़ाओ, चाहे प्राइवेट स्कूल हो पढ़ाओ, चाहे मल्लिकार्जुना पढ़ाओ, पुष्पा पढ़ाओ, जहाँ चाहे पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन बच्चों को ड्रॉप आउट ना करें, 5वीं जमात का ड्रॉप आउट अलग, 7वीं जमात का ड्रॉप आउट अलग, SSLC के बाद का ड्रॉप आउट अलग। हमारे इदारे में तमाम मज़हब के बच्चे पढ़ते हैं, तमाम कन्नड़ा भी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, कन्नड़ा मीडियम भी है, उर्दू मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है, LKG to degree। जो तालीमी मेरे लिए 33वां साल है, इसमें मैं स्कूल का जो काम है 25 साल हो गए, स्कूल शुरू करके। वो ज़माना अलग था, उस ज़माने में कम थे, वो तो अभी धीरे धीरे मेरे पास अब रखने की जगह भी होनी चाहिए। अब तो 2500 बच्चे रह सकते हैं, नहीं 2500 बच्चे, उस ज़माने में मतलब 200 बच्चों से शुरू हुआ, तो ये इदारा यहाँ तक पहुँचा। आगे क्या प्लान है आपका? आगे मैं इंशाल्लाह जो ज़रूरत इलाके में है, जो बच्चों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से निकलने वाले 350-400 मौलिमा थे, तकरीबन रोज़ी पे लग गए तकरीबन 200 ज़्यादा। इस साल कई यूनियन डे में डॉक्टर्स को बुला के एजाज़ किया, यहाँ से निकलने वाले बच्चे डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर भी हैं माशाल्लाह, यहाँ से निकलने वाले बच्चे टीचर भी हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट भी हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और उस प्रोग्राम के जो रूह रवाएँ हमारे डॉक्टर हम कर्नाटकी हैं, वो बहुत उर्दू के सच्चे आशिक हैं, उन्होंने बहुत काम किया है, ख़ासकर इस छोटे से गाँव में रहकर भी उर्दू के लिए बड़ी खिदमत की है, जो बड़े बड़े शहरों में नहीं मिलता आपको। आप खासकर बेंगलुरु देख लीजिए, टुमकुर है, दावणगेरे है, बड़े बड़े सिटीज़ हैं, शिमोगा हमारा डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ भी ऐसे लोग बहुत ऐसे लोग मिलेंगे नहीं आपको। तो उन्होंने हमेशा उर्दू की क्या कहते हैं आप, उर्दू की तरक्की के लिए बहुत कोशिश की है। हम शुक्रगुजार हैं कि वो ऐसे हमारे हाफिज़ कर्नाटकी साहब इस इलाके में पैदा हुए और उर्दू के लिए बहुत कोशिश की, और मेरे भाई भी हैं और टीचर्स ब्रदर से हम ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे अम्मी भाई टीचर थे थे, तो वो भी इसलिए वो भी क्रिकेट हमारा हमारे वालिदा शायरा थी, बचपन में शेर कहा करती थी, याद है, हमें भी याद है, तो वो सिफात उनमें आ गई, क्या कहते हैं, हेरिडिटी से आ गई, विरासत में, वरसे में मिल गई उन्हें, तो शायर बन गए। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरा बच्चा शायरी करने लगा है, हमारा छोटा बच्चा शायरी करने लगा है, उससे मुझे सुनाता है कभी कभी, मैं समझता हूँ ये कहाँ से आ गई, तो जेनेटिक्स से। तो मेरा बच्चा जो है, बच्चा मेडिकल में है,
वो बाकायदा शेयर करने लगता है। कभी कभी सुनाता है, मुझे परसों आया तो दो तीन मरतबा दो तीन शेयर सुना सुना गया, समझता हूँ कि जेनेटिक्स है। तो उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत शानदार प्रोग्राम रहा। इतने प्रोग्राम हमेशा होते रहते हैं यहाँ पर, हर साल में एक बार होते रहते हैं, 20 साल से होते रहे। मेरा नाम जावेद पाशा है। और शिमोगा ज़िले के लिए बड़ी खुशी की बात है हाफिज़ कर्नाटकी साहब ने जो ये प्रोग्राम मुनाकिद किया है। अब ये छोटा सा गांव शिकारपुर तालुका है, लेकिन यहाँ आकर देखने के बाद हम 25-30 साल पहले से हमारे शहर का एक ज़िले का तालुका है, मुस्तकिल हम इसको देखे हैं। 25-30 साल पहले यहाँ आए थे हम, यहाँ कोई बूबाज भी नहीं थी शायद उर्दू की, बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन आज उर्दू के सिलसिले में हम देखते हैं हर जगह माशाल्लाह हाफिज़ कर्नाटकी साहब ने जो मेहनत की है, बहुत बड़ी मेहनत की है। अल्लाह ताला ने इनके साथ जो है, मैं समझता हूँ बस चीज़ें अल्लाह ताला अपनी तरफ से वदियत कर देते हैं। तो शेर शायरी और उर्दू से मोहब्बत, ये माशाल्लाह हमारे हाफिज़ कर्नाटकी साहब के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। जब कभी भी देखो कोई भी एक महफिल में, कोई भी मजलिस में, जहाँ भी हो, सिर्फ उर्दू पे ही माशाल्लाह बोलते हैं और काम करते हैं लगाव के साथ। और अंजुमन ये हमारे कर्नाटक के उर्दू एकेडमी के चेयरमैन भी रह चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उस वक्त भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है उर्दू एकेडमी के लिए। तो हम देखते हैं बहुत ही कम बजट हुआ करता था उनके दौर में, उन्होंने जो है उर्दू एकेडमी को अलग से बजट दिलाने की कोशिश की और मेहनत की। और यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसी लाइन से नहीं, दीनी लाइन से भी, मदारिस के लाइन से भी, दूसरे लाइन से भी, उलमा के दरमियान रहकर भी माशाल्लाह ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तालीमी इदारा भी कायम किए हैं, ज़ुबैदा अल बनात से, ज़ुबैदा के नाम से स्कूल भी है, मदरसा भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उनके एक दोस्त हैं। मेरा नाम मोहम्मद सफ़ीउल्लाह कासमी, मैं शिमोगा से ताल्लुक़ रखता हूँ, डेली पढ़ता हूँ ये किताब। बहुत अच्छे हैं इदारे में, फीस नहीं, फ्री पढ़ाते हैं। बस को आना जाना भी फ्री है। फ्री है? ये मेरा दूसरी बार है जो मैं शिकारीपुर आई थी, और पहली बार भी इतने ही उत्साह से उन्होंने मुझे सुना था। और इस बार भी आपने देखा होगा जब मैं आई थी तो उन्होंने किस तरह वेलकम किया था, तो आई थिंक बहुत अच्छा लगता है सब देख के। किसकी गज़लें सुनाई हैं आपने आज? आज मैंने डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी साहब की गज़लें और उनके सूफी कलाम पेश किए थे। तो हाफिज़ साहब का कलाम आपको कैसा लगता है, किस तरह से आप हमेशा पढ़ती रहती हैं हाफिज़ साहब? और आपको एनकरेज भी करते रहते हैं वो? हाँ जी, डॉक्टर साहब का आई थिंक बहुत सपोर्ट रहा है मुझे पहले दिन से, और मैंने उनकी काफ़ी गज़लों को खुद कंपोज़ करा है। और इनफैक्ट यूट्यूब पे उनकी काफ़ी सारी गज़लें मौजूद भी हैं जिन्हें मैंने कंपोज़ करके गाया है, रिकॉर्ड किया है। और आई थिंक मुझे मतलब अच्छा लगता है उनकी गज़लें पढ़कर, उनकी गज़लें सुनकर। और वो जब भी बैंगलोर आते हैं तो मेरे वालिद साहब और मैं कोशिश करते हैं कि हम उनसे उनके जो मुशायरे होते हैं उनको अटेंड कर सकें। आपको क्या लगता है लोग लड़ रहे हैं ज़बान के हवाले से? ज़बान कौन लोग हैं वो जो लड़ रहे हैं बताइए? नहीं, आपसे पूछता हूँ, खबरों में देखते हैं, सिर्फ खबरों में कौन दिखाता है? रेखता जश्न रेखता मालूम है आपको, एक फेस्टिवल, वर्ल्ड का बिगेस्ट उर्दू फेस्टिवल है। 73% वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स अटेंड करते हैं फेस्टिवल, ये इदारों के फिगर्स हैं। तो ज़बान के नाम पर वही लोग लड़ रहे हैं जो इंतहा पसंद है हर मामले में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो। इससे पहले तो खालिस्तान की बहुत बात होती थी, अब नहीं होती। तो ये वक्त होता है, थोड़ा सा एक लहर होती है, गुजर जाती है इस ज़बान के। देखो उर्दू ज़बान हमारी है, ये हमारे सियासतदानों ने गिफ्ट कर दी थी पड़ोसी मुल्क को, हमने इसकी फ़रोख के लिए, इसको और बढ़ाने के लिए इस अदबी ज़बान को हमने थोड़ा सा इग्नोर किया, अंग्रेज़ी को बढ़ावा दिया। मैसेज मैं ये दूंगा कि ज़बानों की वजह से अगर कोई 2-4-10 इंतहा पसंद लोग लड़ भी रहे हैं तो उसको इग्नोर करें। जितना इसको हम फॉरवर्ड करेंगे, जितना हम इसको फैलाने की कोशिश करेंगे, जितना हम इसके बारे में बात करेंगे, उतनी ज़्यादा भड़केगी ये। तो इसको इग्नोर करें, कोई आकर के कुछ कहता है कोई इग्नोर करें।